जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे कौन ने वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड जो है किस तरह से बनाया जाता है और कौन सा इसका मतलब वेबसाइट है, कौन सा मतलब अभी तो जो है यूटीआई और एनएचडीएल का जो सर्विस देना बंद कर दिया है, तो हम किस तरह से अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं मतलब कस्टमर के लिए, इसको जानने वाले हैं। तो ये कौन सा वेबसाइट है, इसमें कितना चार्ज लगता है, इस सबको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल या मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च कर लेना है एपेक्स पेन सर्विस। इतना सर्च करने के बाद यहाँ पर देखो मेरा ओपन हो गया वेबसाइट, और यहाँ पर रिटेलर पर क्लिक करके हम लोग जो डिटेल मांग रहे हैं उसको डाल लेना है। तो पहले नाम है, उसके बाद आपका एड्रेस रहेगा और आपका पिन कोड रहेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और ध्यान देना है इसी ईमेल में आईडी में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिएगा। तो यहाँ पर अपना जो है ईमेल ओरिजिनल ही देना, और उसके बाद यहाँ आ गया स्टेट आपका, जो भी आप स्टेट से हो उसको स्टेट को चुन लेना है। और उसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम या अपना खुद का नाम या फिर अपना दुकान है तो आपका दुकान का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर है, आधार नंबर आपको कर लेना है, डाल लेना है मतलब। और यहाँ पर कम अब मैं ये सब चीज़ को भर लेता हूँ, और साथ में पेन नंबर है। और यहाँ पर रिटेलर आईडी का देखो, यहाँ पर 99 रुपया चार्ज ले रहा है। तो यहाँ पर सब डिटेल डाल लेने के बाद मैं यहाँ पर पे एंड रजिस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ। पहले सब डिटेल को पहले भर लेते हैं, तो जो भी डिटेल है अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर भर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो पेन नंबर है उस पर भी पेन नंबर अपना जो है उसे भर लेना है, जो भी आपका पेन नंबर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर पे एंड रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले भर लेते हैं पेन कार्ड का नंबर जो है। और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा पेमेंट मेथड चुनना है तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पे एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन से मतलब पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है बोल रहा है। और यहाँ पर देखो पेमेंट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर पेमेंट मेथड चुन लेना है आपको जिससे आप करना चाहेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर चुन लेते हैं हम लोग क्यूआर कोड चुन लेते हैं। तो यहाँ पर पे और पे पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही पे करेंगे तो यहाँ पर क्यूआर होगा जनरेट एक, तो उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके या फिर अगर मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल पर अपना स्क्रीनशॉट लेकर के जाकर पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कर लेने के बाद आपको जो है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट पहले कर लेते हैं हम लोग। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर देखो थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर पहला वॉलेट बैलेंस, उसके बाद एड मनी और ई साइन पेन अप्लाई, और यहाँ पर ई के वाई सी पेन अप्लाई दिया है। तो उसके बाद है पेपर लेस न्यू पेन अप्लाई, उसके बाद पेपर लेस सी एस एफ मतलब आपको जो है करेक्शन करना है अपने पेन कार्ड में ये है। और उसके बाद यहाँ पर फाइंड पेन कार्ड, यहाँ पर पेन कार्ड फाइंड का है, और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन है आपका, और इसके बाद ई पेन कार्ड डाउनलोड ये है आपका ऑप्शन। और यहाँ पर स्टेटस वगैरह दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट के बारे में पूरा डिटेल में बाद में बताएंगे, इसमें साथ में आपको पेन कार्ड किस तरह से बनाना है पहले इसका सर्विस देख लेते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैंने यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस है उनसे बात किया है, तो अभी रिप्लाई नहीं किया है, तो देखते हैं कब तक का रिप्लाई करता है, उसके हिसाब से हम इसमें पेमेंट करेंगे और फिर इसमें से आपको पेन कार्ड भी बनाकर दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले रहना, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे।